जो स्त्रियां मन से वचन से कर्म से अपने पति की सेवा में ही लगी रहती है, अपने पति में ही भगवान का स्वरूप देखती है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति के चरणों में ही अनुराग देखती हैं, अपने पति के हृदय में ही साक्षात नारायण के दर्शन करती हैं, उन्हें ही पतिव्रता नारी कहा जाता है। पति सेवा के बाद में भगवान सेवा करती हैं और पति में ही भगवान देखती हैं, उनकी पूजा जगतपति भी तुरंत ही स्वीकार करती। कई स्त्रियां पूजा का बहाना बनाकर इधर उधर घूमने चली जाती हैं, दो दो घंटे मंदिर में पंचायत करेंगी, घर में आके पति पे चिल्लाने लगती हैं, पति ने कुछ भी मांग ली, रोटी या कपड़ा, और तो कई पत्नियां उल्टे पति पे ही चाय बनवाती हैं, मंदिर से आएंगी कुछ घर का काम नहीं करेंगी। कई महिलाओं के घर में चारों कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे होते हैं, बाहर दो दो घंटे पंचायत में करके आती हैं, और घर के काम होते नहीं हैं, घर पे पता पड़े कि पति ही कपड़े धो रहा है। इन स्त्रियों की ना तो घर पे ही सम्मान पूजा होती है और ना ही भगवान इनकी पूजा स्वीकार करती है। मनुष्य का शरीर लेकर पूर्व जन्मों की गिनती का भी प्रायश्चित कर सकती है, लेकिन फिर भी बाहरी आडंबरों में लगी रहती हैं। पति कोई बात कह दे, ईमानदारी की बात, बिना नशे में सही दिमाग से सारी शुद्धता के साथ में अगर कोई पति कोई बात कह दे तो पत्नियों को बुरा लगती है, वही बात कोई बाहर का कह दे तो उनको अच्छी लग जाती है। पति की बातों को इग्नोर करती हैं कई बातें, बाहर का कोई कह दे साधु संत के जी लकड़ी ले जा, पति बस में हो जाएगा तो उसको ले जाती। कई पत्नियां जो अपने पतियों पर कई पत्नियां अपने पतियों को बस में करने के लिए जो भी जादू टोना टोटका करवाती हैं, उनमें इतना भयंकर पाप पड़ता है भैया, उसकी कोई सीमा नहीं। अपने पतियों पे कभी भी भूल कर भी कोई जादू टोना मत करवाना, क्यों कि कहीं उल्टा पड़ गया बस में होने की जगह कहीं पति और बिगड़ गया तो आफत हो जाएगी भैया, क्योंकि हमने कई देखा है उल्टे सूधे तांत्रिकों के चक्कर में कई लेडी आजकल पड़ जाती हैं, भोली भाली लेडी होती हैं, और ये हर किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं, वो सब चूतिया बनाते हैं कि अगर तुमने कई के बस में कर लो पति को, बस में ना हुआ उल्टा और चला जाएगा। ये पैसे कमा रहे हैं, सब अपने अपने घर भर रहे हैं, लेडियों पागल मत बनो, भगवान राधा वल्लभ जी के कृष्ण भगवान के चरणों की सेवा करो, पति की सेवा करो, लेकिन पहले पति की दाल रोटी की व्यवस्था करो, पति नाराज हो रहा है उसके कपड़े धुले धुलाए रखो, उसके बाद में पंचायत करो। भैया पंचायत करने के लिए दिन भर डला रहता है, पति धूप में जा रहा है, गर्मी में 40-45 डिग्री में काम करने जा रहा है, कई समस्याओं में बाहर रहती हैं, उनको भुगत के घर के लिए कमा के लाता है, फिर घर में आके वही काय कलेश काय किल, टाइम पर रोटी नहीं, धरी धराई रोटी ताजी फूली फूली रोटी दे दिया करो अपने जो भी आपके पति जैसा भी हो, काला गोरा पीला जैसा भी हो, एवं चाहे स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, हर स्थिति में पति की सेवा करना चाहिए, क्योंकि यह सब पूर्व जन्म के संयोग से प्राप्त होता है। इस जन्म में पति में ना कमियां निकालें, पतियों से कम बहस करें। कई घरों में पत्नियां बहस पर बहस करती जाती हैं, जिससे कि लड़ाई झगड़े बढ़ते आते हैं। पति गुस्से में क्रोध में अगर मान लो लड़ झगड़ रहा है, तो उस समय पतियों का मौन होना ही सही रहता है। पति लड़े झगड़े तो समय लोग इस समय लड़ने वाले परशुराम भगवान बैठ गए, प्रेम करे तो समय लोग कृष्ण भगवान बैठ गए, तपस्या में मौन हो गए तो समझ लो भैया भोले बाबा हैं। इसी तरह भगवान के तीनों रूपों का दर्शन करना चाहिए, और पुरुषों को भी भैया स्त्रियां व्यस्त कर रही हैं तो उन्हें मारे कूटे नहीं, प्रेम से समझाएं। अगर आप उनकी बहुत बड़ी कोई कमियां पकड़ लो जो कि माफ करने योग्य ना हो, तो फिर हमारी बात ना मानना, अपने हिसाब से डिसीजन लेना।
आप स्त्रियों के, कई स्त्रियां ऐसी होती हैं अपने पतियों को धोखा देती हैं, झूठी कसमें खाती हैं। तो उन स्त्रियों को भी ये है कि खैर खून कासी खुशी बैत मीत पदमान बैर प्रीत मदपान, यानी छुपते नहीं हैं गलत संबंध, तो हाथ के सच्चे रहो लंगोट के पक्के रहो जी चाया डोलो, इस तरह रहो भगवान की सेवा और पति की सेवा में कोई भेद ना करें। क्यों कि भगवान के वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही पति प्राप्त हुआ है, वह भगवान ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। जब दूल्हा बन के आता है तो दूल्हे में नारायण देखे जाते हैं, पत्नी में लक्ष्मी देखे जाती हैं। बड़े ही प्यार से रहना चाहिए, अगर शादी कर ली तो शादी से पहले फैसला करो योग्य है या अयोग्य है, लेकिन शादी हो जाए तो उसको निभाना चाहिए। यही सनातन धर्म की सुंदरता है, चाहे कैसी भी दुष्ट पत्नी हो चाहे कैसा भी दुष्ट पति हो उसको निभाओ, क्योंकि बीच रास्ते में छोड़ दोगे तो पता नहीं उसका क्या हुआ, सोई तो पति बिगड़ेगा सोई पत्नियाँ बिगड़ेंगी, और स्त्री की हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है अगर पति उसको छोड़ दे तो। पतियों को भी ये है, कैसी भी स्त्री अपने कैसे भी समझा अनुराग करो, क्योंकि वो भी लक्ष्मी है। ज़्यादा क्लेश करना स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी ठीक नहीं है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।